ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿਆਨ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਫਰਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਰਵਾਲਾ ਗਦੋੜਾ ਖੁਰਦ, ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरप्रीत, सरकारी हाई स्कूल फरवाला कंदोला, जिला जलंधर। मैं इस स्कूल का जिहड़ा आ स्कूल इंचार्ज हाँ। तो साढ़े स्कूल का एक बच्चा हयान हुसैन, जो कि पढ़ाई के नाल नाल जिहड़ा आ किसी होर एक्टिविटीज़ भी जिहड़ा आ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता आ, जिस दे विच जिहड़ा आ उहदे एक बारी थोड़ा होया सी कि हाँ जी कि नहीं जी कि साढ़े स्कूल आए कि नहीं जी, कि इतने टैलेंट शो का जिहड़ा जिक्र बच्चा किसी भी पार्टीसपेशन जिहड़ा भाग लेना चाहुंदा आ तो जिहड़ा वो अपना जिहड़ा कारगुजारी दिखा सकदा। तो जिस दे विच साडा बच्चा जिहड़ा आ हुण 9वीं क्लास का विद्यार्थी हयान हुसैन जिहड़ा आ वो सिलेक्ट होया, तो असी जिहड़ा आ यही आस करदे आ कि वो जिहड़ा बच्चा जिहड़ा आ दिन दुगनी ते रात जिहड़ी आ वो चौगुनी तरक्की करे। तो इस तों इलावा होर भी स्कूल दे विच जदों कोई भी फंक्शन हुंदा आ तो हमेशा ही जिहड़ा आ वो उभर के जिहड़ा आ वो अगे आउंदा आ, तां कि जिहड़ा आ किसी भी एक्टिविटीज़ जिहड़ा आ वो पिछे ना रहे। तो असीं यही आस चाहुंदे आ कि वो इस स्कूल का अपने माता पिता का ते पूरे पिंड का नाम जिहड़ा आ वो रोशन करे। एक रिया है मैगनीशियम, एक तार है और जब तार दे नाल इसका ऑक्सीकरण होता है ये बन गया मैगनीशियम ऑक्साइड। आपां लैब दे विच भी एक्सपेरिमेंट किया जिस विच सानूं मैगनीशियम रिबन दिता गया, असीं पहला उसनूं फॉयल दे नाल साफ किया, असानू एक सफेद राख प्राप्त हुई, वाइट रेसिड्यू। जब उस सफेद राख नूं असीं एक कोल दे विच पानी दे विच घोलिया। जदों भी कोई स्कूल विच कोई फंक्शन हुंदा है तां मैं उस विच भी पार्टिसिपेशन करदा हाँ। अते मेरे पिछले हफ्ते ही हजे जिद्दां कि साहबजादिया का होया सीगा उहदे विच मैंने पार्टिसिपेशन किया ही, एंड बहुत वधिया मेरा रहा। मेरे सर भी मैनूं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करदे हन इहदे विच। मैं लज्जी पाला ते लड़ लगियां, मैं लज्जी पाला ते लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लज्जी पाला ते लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लज्जी पाला ते लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बू। बड़े मान दी गल है कि साडे स्कूल विच डीडी पंजाबी दी टीम आई है। ये सानू मौका मिलिया है क्योंकि साडा विद्यार्थी हयान हुसैन जो कि 9वीं जमात विच पढ़ता है उसने ये मौका लिया है साडे वास्ते कि वह अपनी गायकी दे विच फाइनल राउंड दे विच पहुँच चुका है। उसने सिर्फ अपने माता पिता का नाम या अपना नाम ही नहीं उच्चा किया, उन्हें साडे स्कूल गौरमेंट हाई स्कूल फरवाला कंदोला खुरद का नाम भी सुनहरे अखरां विच लिखिया है। मैनू आस ही नहीं, यकीन है कि मेरा बच्चा पहले नंबर पर आएगा और अपने पिंड का, अपने टीचरों का, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेगा। मैं आज तुहानू अपनी लाइफ बारे दसन जा रहा हाँ। मैनू शुरू तो ही बहुत शौक सी कि मैं एक वड्डा सिंगर बना, अते मेरे उस्ताद जाकिर हुसैन जी उन्हां वालों ही मैं अपना संगीत का शुरू किया, अते उन्हां वाल देख देख मेरा बहुत हौसला वधिया। उस्ताद होर कोई नहीं जो कि मेरे अपने फादर साहब ही आ, उन्हां देख देख के मैनू होर भी बहुत इदा हौसला मिलिया, उन्हां तो ही मैं सीखदा हाँ। मेरी अल्लाह।
फुटबॉल खेडन का शौक है और क्रिकेट खेडन का शौक है। मैं रोटी बिना तो रह सकता पर सिंगिंग तो इलावा मैं नहीं रह सकता। सिंगिंग मेरा जनून है। मैं जैकुल सैन फरवाला पिंड रहने वाले और सैन का हयान सैन का पापा जी बोल रहे हैं। तो बड़ा इसनों बचपन तो शौक से 3 साल का जो ये रिदम अंदर बजन लग पी उदों सानू भी बड़ा हौसला हों भी साडा बच्चा बधूगा। बड़ी यदि सपोर्ट की हौली हौली उदा भी कहने कर रहा हर कोर जिदा भी कहो तो साड़ी गल मनता है जो भी कहो तो ज़्यादा ज़्यादा शौक गाँव का ही है। तो एक दो बार इन दस की लड़ पी फिर आप ही तैयार कर लेंदा है। तो काफ़ी प्रोग्राम तो मेरे नाल भी जाता है तो गीत भी गाँव है नाल कोर्स भी करता है। तो बहुत वधिया दिल वालों असी सुखी भी हैं। अं यही दुआ करते हैं कि मालिक नू तरक्कियां बख्शे एदा दुनिया से ना हो। तू सजना रब दे नाम वरगा ते आउंदे जांदे सावरगा। तू सजना रब दे नाम वरगा ते जांदे सावरगा। तेनू पाउण लई असी वे सजना तेनू पाउण लई असी वे सजना कर की नहीं सकदे। सत श्री अकाल जी, मैं हबीब अख्तर हयाना सैन की मम्मी पिंड फरवाला तो बोल रही हाँ। तो ये बच्चा मेरा बहुत लाइक है। साडा जिदा 20 साल का बच्चा सीगा उहदा एक्सीडेंट होके डैथ हो गई सी। उस तो बाद इहने जिदा साल बाद जन्म लिया साडे कोल जिंदगी नहीं सी जीण दी। इस दे करके साडा जीवन जिदा दुबारा सानू मिलिया ते इह 2.5-3 साल का सी जद अपने पापा दे नाल जिदा इहनू बहुत शौक जिहा हो गया गाउण दा। जदों किते गाउंदे होणा इहना तो इन्हें नाल जिदा ये अंदर रिदम बजनी। तो उस तो बाद थोड़े कु चिर बाद अपने पापा के नाल गाउण जिदा नाल भी चल जाता सी कवालियां। तो मेरे दो बेटे आ एक बेटी आ बेटी भी ब्याही आ बेटा भी ब्याह आ बड़ा। तो सानू हुण जाने कि इहदे नाल ही जिंदगी आ साडी हुण असीं बहुत सुखी हाँ। नहीं तो साडा कोई जीण दा हल नहीं सी। असी कहने वे अल्लाह इहनू तरक्की देवे अपने पापा का अपने पिंड का अपने स्कूल का नाम बनावे। ये असी अपना बच्चा सनी देखते हैं। सानू दूजा सनी मिले शकील मुहम्मद से ना वो जिदा म्यूजिक च भी बहुत जिदा सगा तो कंप्यूटर भी करता सगा। जे अजो जींदा हों तो पता नहीं उन्हें कित दी कि पहुँच जाना सी म्यूजिक दे विच। पर वो चीज़ तो सानू नहीं भुलती हैगी। चलो रब ने दे दिता करके साड़ी जिंदगी वधी आ। नहीं तो कोई जिंदगी नहीं सी साड़ी। साडा परिवार च बहुत साथ दिंदा सी वो बहुत लायक बच्चा सी। साढ़े पांच साडिया भैन आया जिदा इन्हों के 3 भरा सी दो की डैथ हो गई। जिदा मास्टर सलीम ने अपने पापा का नाम उच्चा किया है उदे ही साडा बच्चा अपने पापा जाकर हुसैन का नाम उच्चा करे इस दुनिया से। मैं KKHD वाले का धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मेरे बच्चे अपने प्लेटफॉर्म से बुलाया। Was always annoying the neighbor with his pranks, so his father would often run
after him to punish him, but the father was rheumatic. He, the boy, ran like a deer, so the blow did not always hit the mark. It was Saturday when school closed early at 2 o'clock, but... हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं वसीम अकरम, पिंड फरवाला। सो मैं हयान हुसैन का ब्रदर बोल रहा जी। और जो मैं गल करा तो हयान की सिंगिंग बारे, बचपन तो ही बड़ा शौक से सिंगिंग का। अपने 2-3 साल की उम्र में ही ये दिमाग में रिदम बजन लग पे। सो साडे फादर साहब जनाब जाकुर हुसैन जी, उन्होंने नाल असी जा अपने प्रोग्राम से जा रहे हैं। और ये भी जान अपने जान लग पे हयान हुसैन भी, और इन्हें कोर्स बोलता मगर, और बड़ा उत्साह मिलता से जो ये अपने मौका मिलता सी सोंग गाने का, और बड़ा वधिया रिस्पोंस मिलता सी पूरी ऑडियंस का। सो सानू भी बड़ा हौसला आता सी। सो दुआ करते परमात्मा अगे कि अपने पिंड का और स्कूल का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। और KKH जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करदा कि जिन्होंने अपने इस बच्चे नू एक बहुत वधिया प्लेटफॉर्म दिता। सो थैंक यू। कसम रब दी नरे पामा तेरे दीदार तो बिना मेरे दिल दा वेड़ा सुनाए, दिल दा वेड़ा तेरे दीदार तो बिना। ओ कसम रब दी नरे पामा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी नरे पामा। ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਨ ਦੀ ਭੂਆ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਯਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ। ਉਸ ਲੜਕੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੀਏ ਤੂੰ? ਖੈਰ ਦੇ इस गैराज के अंदर जब गाड़ी एंटर होती है ना तो 500 रुपए चार्ज होते हैं, पता है तुझे? पाजी पहचान। अरे पहचान वाली थी तो घर में जाके उसके स्क्रू टाइट करना। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं थोड़ी अपनी शमा हयान हुसैन दी भाभी, ते इन्हां नूं सिंगिंग दा जिद्दां बहुत शौक सीगा। असीं साडा सुपना ये भी साडा बच्चा वध तों वध है ना अपना नाम बनावे। साडे सारिआं दी इह दुआ आ, साडे अपने पापा जी तों जिद्दां इन्हां ने गायकी लई आ, साडे पापा दा वी नाम बणे। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਦਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਅਦਾਬ ਟੂ ਐਵਰੀ ਵਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬੀਨਾ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਹਯਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਨੀ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀ ਕਿ ਸਨੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਗਰੋਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ KKH ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਫਿਨਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।
ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ KKH ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ, ਮਾਡਲਿੰਗ, ਐਕਟਿੰਗ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰਮ ਭਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਫਲਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ KKH ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਵਰੁਣ ਬੰਸਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ KKH ਦੀ।